इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाद्य एवं रसद विभाग ने की बड़ी घोषणा। 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी में शुरू होगी MSP पर धान की खरीद और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी MSP पर धान की खरीद। सामान्य धान पर MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान पर MSP 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मोटे अनाज पर भी की जाएगी खरीद, खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश के धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने यह जानकारी किसान तक को दी और बताया कि इसे लेकर समय सारणी भी जारी कर दी गई है। बता दें कि पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान की गुणवत्ता परीक्षण के लिए पश्चिमी यूपी में उपकरण की व्यवस्था 15 सितंबर तक और पूर्वी यूपी के जिलों में 15 अक्टूबर तक तय की जाएगी। इसके बाद MSP पर धान की खरीद शुरू होगी। इसके अलावा खाद्य आयुक्त के मुताबिक मोटे अनाज पर भी यानी कि बाजरा, मक्का, ज्वार पर भी खरीद की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा साल 2024-25 में बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार का 3371 रुपए प्रति क्विंटल और मक्का का 2225 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभाग और अन्य एजेंसियों के लगभग 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों से खरीदी गई धान को यूपी में स्थित 814 धान मिलों को दिया जाएगा। सरकार इन मिलों से चावल लेकर PDC के जरिए गरीबी की रेखा से नीचे गुजर रहे लोगों को वितरित करेगी। विभाग के अनुसार किसानों से धान की खरीद 3752 क्रय केंद्रों पर हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जाएगी। बता दें कि जो किसान MSP पर अपना धान बेचना चाहते हैं, उन्हें पहले खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो किसान टोल फ्री नंबर पर भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसान मित्र मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाद्य एवं रसद विभाग ने की बड़ी घोषणा। 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी में शुरू होगी MSP पर धान की खरीद और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी MSP पर धान की खरीद। सामान्य धान पर MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान पर MSP 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मोटे अनाज पर भी की जाएगी खरीद, खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश के धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने यह जानकारी किसान तक को दी और बताया कि इसे लेकर समय सारणी भी जारी कर दी गई है। बता दें कि पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान की गुणवत्ता परीक्षण के लिए पश्चिमी यूपी में उपकरण की व्यवस्था 15 सितंबर तक और पूर्वी यूपी के जिलों में 15 अक्टूबर तक तय की जाएगी। इसके बाद MSP पर धान की खरीद शुरू होगी। इसके अलावा खाद्य आयुक्त के मुताबिक मोटे अनाज पर भी यानी कि बाजरा, मक्का, ज्वार पर भी खरीद की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा साल 2024-25 में बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार का 3371 रुपए प्रति क्विंटल और मक्का का 2225 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभाग और अन्य एजेंसियों के लगभग 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों से खरीदी गई धान को यूपी में स्थित 814 धान मिलों को दिया जाएगा। सरकार इन मिलों से चावल लेकर PDC के जरिए गरीबी की रेखा से नीचे गुजर रहे लोगों को वितरित करेगी। विभाग के अनुसार किसानों से धान की खरीद 3752 क्रय केंद्रों पर हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जाएगी। बता दें कि जो किसान MSP पर अपना धान बेचना चाहते हैं, उन्हें पहले खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो किसान टोल फ्री नंबर पर भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसान मित्र मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।